हमारी बेटी है, बहन है, जिसकी लड़ाई लगातार कर्मचारी यूनियन और आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने कुर्बानी दे दी, चीरहरण कर दिया, कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, हमारे बहनों पर जुर्म हुए, करंट मार लिया गया, जो हमारे नेता हैं अध्यक्ष हैं उस पर लाठी चली, उसको गायब कर दिया गया 4 घंटे तक, गाड़ी में मार देता कि क्या करता कहना मुश्किल है, और मर्द पुलिस के द्वारा मारना, ये कहाँ का जुल्म है? क्या कर लिया था हमारी बहनों ने? जब आपको 10,000 रुपया लगातार आपके 7वें नंबर पर है कि आप इन चीज़ों को करेंगे, आपने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे, तो हमारी सत्ता आएगी तो आंगनबाड़ी का सबसे पहले 10,000 के लगभग अतिरिक्त दुगुना करेंगे, और उसके बाद केंद्र सरकार से ही वादा था फाइनल कि हमको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मामला है तो 5 डिमांड ग्रेजुटी का है, अन भी है, ये जो 2 मुद्दा है, आप अन लोगों शिक्षक की बात इसलिए कभी कभी आप कर लेते हैं चुनाव आने के बाद कि वो आपका प्रेजाइडिंग अफसर बनता है, इसीलिए वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं, वो भी आप नियोजित को अलग कर दिए, SSC वाले को अलग, STT वाले को अलग, सबको गायब कर दिए, आप हमेशा पॉलिसी चेंज करते गए, ममता आशा के साथ भी आपने सही नहीं किया, टोला मित्र न्याय मित्र इसीलिए कि आपके पास कोई राम है कोई मुसर है, आप अपने वर्कर बनाने के लिए आपने कर दिया, लेकिन 2.5 लाख, 1.75 लाख और 2,28,000 जो हर घर की महिलाएं जिस तरीके से आज अपनी जिंदगी के लिए सड़कों पर लाठी खा रही है, यहाँ लगातार 4 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार के बहनों का, माँ का, बेटियों का रहने का व्यवस्था सारी चीज़ हम लोगों ने किया, आप एक तरफ आपसे गया आपको बधाई देने, आपने लाठी चला दी, आप हमारी मांग को मानिए, इन लोगों का जो निर्णय होगा इस कर्मचारी यूनियन का, सेविका दीदी का, हमारी पार्टी और पप्पू यादव एज ए भाई एज ए बेटा बिहार बंद का होगा तब, घेरा डालो डेरा डालो विधायक MP के खिलाफ यदि लड़ने का होगा तब हम नहीं ढुकने देंगे, रेल जाम का होगा तब, क्योंकि केंद्र सरकार की आधी हिस्सेदारी है इसमें और केंद्र सरकार हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी करती है, यदि आज विशेष राज और विशेष पैकेज मिल गया होता तो हमको देने में सुविधा होती, वो भी नहीं दिया, और राज्य सरकार ने भी हमारे साथ